मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि जब हम कविताओं को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स की बड़ी शिकायत होती है कि सर ये कौन से कवि हैं, ये भी उसी काल के कवि हैं, ये भी उसी काल के कवि हैं, तो कैसे हम निर्धारित करें, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी होती है जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन पावर ज़्यादा होती नहीं बच्चों की। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करेंगे जो आचार्यों ने किया है। तो देखिए हमारी इस तरह की और वीडियो जो आप तक जल्दी से पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल है, चैनल का नाम है चिन्मय पांचाल, चिन्मय पांचाल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि अब तक हमारा जो भी साहित्य लिखा गया है हिंदी में, उस संपूर्ण साहित्य को आचार्यों ने, विद्वानों ने चार भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है आदिकाल, और आदिकाल की समय सीमा है सन 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा हिंदी साहित्य का भाग है, काल है भक्ति काल। आचार्य ने इसकी समय सीमा रखी है 1376 से लेकर सन 1700 तक, 1376 से लेकर सन 1700 तक। तीसरा काल आता है रीति काल, जिसकी समय सीमा है 1701 से लेकर 1900 तक। और चौथा और अंतिम काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1901 से लेकर और आज तक। तो हमने हिंदी साहित्य को चार भागों में बांट दिया। सबसे पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीतिकाल और चौथा था आधुनिक काल। लेकिन हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल और केवल भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? भक्ति काल का, जिसकी समय सीमा है 1376 से लेकर सन 1700। अब इस भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हुई, एक और दो। पहली काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा और दूसरी काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा। पहली सगुण काव्य धारा, दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की फिर दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। सगुण काव्य धारा की दूसरी शाखा थी कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। सूरदास जी का जन्म हुआ सन 1478 में रुनकता में, सौरों के पास रुनकता पड़ता है, तो 1478 में वहां जन्म हुआ इनका और
1583 पारसौली में मृत्यु हुई इनकी। लेकिन ये तुलसीदास और सूरदास जो इनका जन्म और मृत्यु है, इन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, केवल साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर इनके जन्म और मरण को निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा की। तो निर्गुण काव्यधारा भक्ति काल की एक शाखा है। निर्गुण काव्यधारा पहली थी सगुण काव्यधारा, दूसरी है निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास, जिनका जन्म 1398 में हुआ लहर तारा नाम के स्थान पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। लोक लज्जा के कारण वो विधवा ब्राह्मणी इनको लहर तारा नाम के स्थान पर छोड़ गई। वह नीरू और नीमा नाम के एक दंपत्ति थे, उनके संतान नहीं थी, उन्होंने उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। तो कबीरदास की मृत्यु हुई 1518 में मगहर में बिहार में। इसी निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं थी, ज्ञान मार्ग की शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास, दूसरी निर्गुण काव्यधारा की शाखा है प्रेम मार्ग की शाखा। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ 1492 में, 1492 में जायस नाम के गांव में, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु हुई 1542 में अमेठी में, जो उत्तर प्रदेश में है। राजा भान सिंह के दरबार में रहते थे और ऐसा बताया जाता है कि एक शिकारी की गोली से इनकी मृत्यु हुई। अब हमने भक्ति काल का पूरा विवरण पढ़ा। ऐसा नहीं है कि अब हम इसमें ये कहें कि राम भक्ति श्रेष्ठ है या कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसके बारे में बातें कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल की, सिर्फ और सिर्फ भक्ति काल की। अब देखिए, चाहे सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, सगुण में राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो, निर्गुण में ज्ञान हो या प्रेम हो, इन सब कवियों का मकसद ईश्वर प्राप्ति था और ईश्वर तक पहुंचने का साधन था। मान लीजिए हमें जाना है यहां से दिल्ली। दिल्ली जाने के भिन्न भिन्न रास्ते हैं, कोई सीधा चलता है, कोई टेढ़ा चलता है, कोई घूम कर जाता है, कोई वायु मार्ग से जाता है, कोई सड़क मार्ग से जाता है, लेकिन अंततः हमारा मकसद है दिल्ली पहुंचना। ठीक उसी तरह से भक्ति काल का मकसद था अंततः ईश्वर की प्राप्ति। सगुण काव्यधारा के जानने वाले कहते थे कि ईश्वर का रंग है, रूप है, आकृति है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, वो हम जैसा ही है, उनका ऐसा मानना था। तो निर्गुण वालों का कहना था कि ईश्वर का न रंग है, न रूप है, न खाता है, न पीता है, न चलता है, न फिरता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है, वो अजर है और अमर है। अब यहाँ विरोधाभास हुआ सगुण और निर्गुण में। अब सगुण में भी फिर दो मत हो गए, कुछ कहने लगे कि राम की भक्ति श्रेष्ठ है और कुछ कहने लगे कि कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन अब तुलसी और सूरदास की बात करें तो हिंदी साहित्य में कहा गया है सूर सूर तुलसी ससी केशव उड़गुन दास, अब की कवि खद्योत सम जहता करें प्रकाश। हिंदी साहित्य में सूरदास की बराबरी करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तुलसी ससी और तुलसीदास हिंदी साहित्य में आसमान में निकलते हुए चंद्रमा के समान है, उनका स्थान सर्वोच्च है, तो इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अब फिर निर्गुण में दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के पथ पर चलने वालों का मानना था कि ईश्वर को ज्ञान के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कबीरदास जी ने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
गुरु से भी ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु को माना है, क्योंकि गुरु ने ही उसको ईश्वर का ज्ञान कराया है। अब फिर इसमें निर्गुण काव्य धारा में दो मतभेद हो गए, एक तो था ज्ञान के बल पर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा था प्रेम के बल पर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कि जहां प्रेम है वहां ईश्वर का वास है। मकसद सबका एक ही था, इसलिए हम ये कहें कि सगुण अच्छी है या निर्गुण अच्छी है, राम भक्ति श्रेष्ठ है या कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ है, सबकी अपनी अपनी महिमा है, उपयोगिता है, और सबने ही अंततः भक्ति के लिए हमें प्रेरित किया। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बातें आई होंगी, और आज हमने केवल भक्ति काल का अध्ययन किया है इसमें, और शेष जो काल है आदि काल, इति काल, आधुनिक काल, हमारी आगे की वीडियो में समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चेन्नई बाय।